So say your name. Sorry. आपका नाम? मेरा नाम शिवा, शिवा आनंद शिकारे. मेरा कौन रूट्स ऑफ लाइफ था, एक तरह की जिंदगी जो एक तो इस बेस के ऊपर मैंने रूट्स और अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स करके मेरा अपना कॉन्सेप्ट बनाया. इट्स ओवरऑल रूट्स ऑफ लाइफ. आई एम यूजिंग ऑल द इको फ्रेंडली कलर, ऑल वेजिटेबल कलर. आई एम नॉट यूज एनी डाइंग एंड ऑल. आई यूज द नॉर्मल दैट जूट का कॉटन कॉर्ड. हेलो, माय नेम इज पीयूष बारिया. I'm from WLC Fashion Institute. Well, I'm designer, come model, come fashion choreographer. So like I used to model first, then I started doing fashion designing. And I even choreographed fashion shows. The thing is, I was always, you know, passionate about military. So I was going to design something for the boys. But it was always something for the boys. So I tried something new this year. Like I designed for the girls. My theme was candy regiment. So regiment is military word and candy is my girls. I've used solid colors like pink, yellow, blue with camouflage prints, and I have accessorized them in a such a way that it's totally girlish. I have softened the silhouette of the Formula One. Was amazing. The outfit what they had given us, it was mind-blowing. Like I was feeling like main sach mein car chala raha hu. मुझे लगता है कि वीगन एंड ली जो इंस्टीट्यूट है, उन उभरते हुए डिज़ाइनर्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे आते हैं यही अकेडमी से. एक ढंग से प्रेरणा करने हम आते हैं, लेकिन एक ढंग से डर भी जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का हुनर हम देख रहे हैं, शायद हम जैसे सीनियर डिज़ाइनर्स को अभी रिटायर करने की आवश्यकता है. मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो कला है और जो हुनर है, क्योंकि हमारे पास सबसे बेहतरीन फैब्रिक्स, टेक्सटाइल्स, एम्ब्रॉयडरीज, सिलुएट्स, और जिस अंदाज से ये यंगस्टर्स ने पेश किया है, मुझे लगता है कि अब बदलते वक्त के साथ हमको भी बदलने की आवश्यकता है. तो पहचान होती है कि क्या कॉम्पिटिशन है मार्केट में, और विदेश से भी हिंदुस्तान से क्या उम्मीद कर सकते हैं. मुझे लगता है कि कला की कोई कमी नहीं है. कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जिस काम हम कर सकते हैं लोगों के साथ, हम नहीं करते हैं. तो आई होप दैट फैशन डिज़ाइनर्स विदेश से प्रेरणा नहीं लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से वो प्रेरणा लें, ताकि विदेश में भी हम दिखा सकते हैं कि हिंदुस्तान की क्या पहचान है.